देखनी आंखों और सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। आपको आतिफ का, अली का और ख़ान का सलाम। एक बंदा और तीन नाम। आज मैं दोबारा हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक लैंडस्केप से, लैंडस्केप के एनहेंसमेंट से मुतालिक एक पोस्ट प्रोसेसिंग का सीरीज़ का ट्यूटोरियल लेकर। लेकिन उससे पहले कि मैं ट्यूटोरियल तक जाऊँ, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक मरतबा फिर। हमेशा की तरह आई फील ऑब्लाइज्ड के मैं आप सब लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले ट्यूटोरियल्स को और सुनने वाले भी, आप सबको और पढ़ने वाले भी, आप सबको तहे दिल से मेरा बहुत बहुत सलाम भी और बहुत बहुत शुक्रिया भी। आके आप लोग मेरे जो लाइव इंट्रैक्शन सेशंस हैं उसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, और उसके अलावा मेरे जो वीकली रेडियो टॉक शो है वो भी आप लोग बहुत इत्माम के साथ सुन रहे हैं, और मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त जो है वो देते हैं मेरे हम्बल सी काविश को देखने के लिए, सुनने के लिए, उसको परखने के लिए, और जिसके लिए आई फील ऑब्लाइज टू ऑल ऑफ़ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप में से जो जिन जिन लोगों ने लाइक भी किया है, पढ़ा है, कमेंट किया है, आपने अपना टाइम निकाला है, उस टाइम को निकाल कर आपने अपने टाइम में से मुझे चंद सेकंड दिए हैं लिखने के लिए, चंद मिनट दिए हैं, या मुझसे बात की है, या अपना टाइम मेरी बात सुनने में सर्व किया है, उसके लिए मैं वाकई आप सबका बहुत तहे दिल से एहसान मंद हूँ। दैट बीइंग सेड, इसके कहने के बाद मैं आप लोगों को लेकर आना चाहता हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग हवाले से है कि किस तरह से एक आप लैंडस्केप इमेज जो कोई भी हो, यहाँ का हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आप उसको मज़ीद किस तरीके से और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए मैंने आज जो इमेज ओपन किया हुआ है आप लोगों के सामने, ये मैंने वैसे ही ओपन कर दिया, लेकिन मैं हमेशा आपको पता है स्टार्ट यहाँ से करता हूँ जो मेरा डेस्कटॉप इमेज होता है। तो ये जिस दिन मैंने ये बर्ड की पिक्चर ली थी, ये बताते चलूँ इसके बारे में काफ़ी लोगों का ख्याल था कि ये कॉम्पोजिट है, ये कॉम्पोजिट नहीं है, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर थी, मैंने स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा भी इसका वर्जन एक अटैच किया था। आई वॉज जस्ट लकी कि आई वॉज देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड आई हैड माई लेंस विद मी एंड कैमरा विद मी। तो इसको देखकर मैं चलता हूँ कि ये मैंने एक इमेज ओपन किया इसी सीरीज़ का, जहाँ पर ये चिड़िया मैंने बैठी थी ना हाथ पर, इसके दो स्टेप के बाद यहाँ मैं आया हूँ, और इस जगह का नाम है मर ब्लू, MERBLEU। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, एम इज इन मदर, ER स्पेस BLEU, यानी कि ब्लू ये फ्रेंच में है, यानी कि BLUE नहीं बल्कि BLEU। तो बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर किसी एक छोटी सी हिस्ट्री बता दूँ इसकी, किसी एक ज़माने में यहाँ पर हज़ारों साल पहले एक फ़ुटबॉल के साइज़ का जो है वो शाबिज़ साकिब था क्या, जो आसमान से गिरा आकर, और उसने इतना बड़ा क्रेटर पैदा किया जो कि करीबन 33 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ है, और बहुत वसी जगह है जहाँ पर पानी, अभी ये लेक की सूरत में पानी बिल्कुल ये जमा हुआ होता है, और इसमें इसी तरह की ये जो है ना ये सरकंडे टाइप चीज़ें निकली होती हैं यहाँ पर, इसको बॉग कहते हैं, इसका नाम है मर ब्लू बॉग, BOG बॉग। तो यहाँ पर मैं गया हूँ पिछले दिनों में, 4-5 दिन पहले, तो मैंने वहाँ पर ये सीन देखा, ऑटम का सीन, बहुत खूबसूरत कलर्स आए हुए थे, आप देख रहे होंगे अपनी जगह ये बहुत खूबसूरत पिक्चर है, वैसे भी चाहूँ तो इसको पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू डू समथिंग इवन बेटर। तो उसके हवाले से मैंने आज थोड़ा सा काम आप लोगों को, मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल दे दूँ इसी हवाले से कि आप मज़ीद अपनी पिक्चर को उसके अंदर और कलर्स कैसे पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ये काम करने के, लेकिन जो तरीका मैं चूज़ करूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं बैकग्राउंड की जो कॉपी है, आपने देखा मैंने इसको किया सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, मैंने चूंकि माइक पकड़ा हुआ है इसलिए मैं कंट्रोल जे नहीं कर रहा हूँ, वरना अगर आप कंट्रोल जे करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट लेयर बैकग्राउंड कॉपी, इसका यही नाम रखें, आप मैं ये बना चुका हूँ पहले, लेकिन आपके खातिर मैं इसको दोबारा नए सिरे से बना रहा हूँ। फिर बैकग्राउंड कॉपी आपने सेलेक्ट की हुई है, अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं ये सिलेक्ट हो जाते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं बैकग्राउंड कॉपी सेलेक्ट हुई। मैं जो मॉड्यूल यूज़ करूँगा, आपको पता है मैं मॉड्यूल्स पर हमेशा जोर देता हूँ प्लगइन्स पर, क्योंकि वो टाइम सेवर्स होते हैं। तो ये निक का कलेक्शन है या NIK का कलेक्शन है, मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, एंड आई विल यूजिंग HDR। अब आप लोग जो है काफ़ी सारे लोग HDR करते भी हैं और HDR से भागते भी हैं, लेकिन HDR जो है वो बहुत एक नाजुक फील्ड है, आपको बहुत बैलेंस्ड चलना होता है HDR में, ताकि आपका इमेज पिक्चर आपकी ख़राब ना हो, और उसके लिए जो इनके प्रीसेट्स भी हैं आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। तो मैंने ये NIK का HDR ओपन किया है, और इसमें मैं जो मॉडल यूज़ करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा मॉडल यूज़ करूँगा। अब ये जब आप ओपन करते हैं HDR में, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट है ये लेफ़्ट साइड पर ये ओपन हो जाता है, हम इसमें नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट गो सिंपली विद दिस मॉड्यूल। मैंने सारी ट्राई कर ली हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसके यहाँ से, ताकि आप लोगों को कोई इसमें शक न रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जहाँ पर ओवर हो जाता है HDR, जो कि बहुत फेक लगता है आपकी पिक्चर जो है ना, वो मोर कार्टूनिश लुक आ जाती है उसमें। सो द वन विच आई प्रेफर टू यूज़ इज़ दिस वन, डीप 2।
मैंने इसको क्लिक किया है, अब आपको मैं दोबारा दिखा दूं कि दिस वाज द डिफॉल्ट जो जब ये ओपन हुई पिक्चर। आई एम गोइंग टू यूज़ द डीप टू। यहाँ पर उसके बाद मैं सबसे पहला काम किया कि आपने देखा कि राइट साइड पर ये पैनल है जिसमें आपके स्लाइडर एडजस्टमेंट्स हैं। तो एक बार तो फिर बता दूँ कि एन आई के का एच डी आर ई एफ एक्स प्रो टू ये मॉड्यूल है जो एन आई के कनेक्शन में गूगल से मिलता है आपको, और गूगल का अपना गूगल परचेज कर चुका है इसको। तो ये मैं टोन कंप्रेशन को मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा, 47% था, लेट्स ब्रिंग इट डाउन टू 10%। और उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरा थोड़ा कंप्यूटर रह चुके हैं, मैं थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले गया, सॉरी 15 पर ले गया हूँ। और मेथड स्ट्रेंथ 50% पर थी, 50 पर रखी है। टोनालिटी में मैंने अब काम ये करना है, मेरे हिसाब से इमेज थोड़ा सा डार्क हो गया, तो मैंने एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, शेडोज़ को मैंने थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा नहीं बल्कि एक्चुअली शेडोज़ को मैं ले जाऊँगा, टेक इट टू अप टू अबाउट 78 to 81% तक। हाईलाइट्स को थोड़ा सा आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट टू -11। कॉन्ट्रास्ट को मैं इंक्रीज़ करूँगा हल्का सा, अबाउट 3%। स्ट्रक्चर को मैंने नहीं छेड़ना है ताकि ये जो डार्कन एरियाज़ हैं यहाँ पर आपका ग्रेन ज़्यादा इंट्रोड्यूस ना हो। और कलर की सेचुरेशन अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रेड्स ज़्यादा हो गए हैं तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट फ्रॉम 11% पर था, 11 से मैं इसको ले आऊँगा अबाउट 7% पर। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सी कि हाउ द रिजल्ट्स लुक, कि काफ़ी इसके अंदर मुझे जो है ना फ़र्क फील हुआ है। और इसी के अंदर आपके पास ऑप्शन है ग्रेजुएट एनडी की भी, तो अपर टोनालिटी को अगर हम वो करना चाहें, क्योंकि आप देख रहे हैं डल स्काइज हैं, इसके अंदर इतना ज़्यादा चार्म नहीं है। और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ऑल्दो कि इसके अंदर भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इसके बजाय कि इसका ये ग्रेजुएटेड नेचुरल डेंसिटी का वो यूज़ करूँ, मैं सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा सा ब्राइट कर दूंगा। 0.18 स्टॉप, यानी मैंने राइट साइड को वो किया है, स्लाइडर को मूव किया है, तो वो इंक्रीज़ हो गया। ब्लेंड करूँगा इसको हल्का सा ताकि ये अपर वाले पोर्शन के साथ और बाकी ट्रीज़ के साथ ब्लेंड हो जाए। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ओके। यहाँ पर ये लूप दिया हुआ है राइट साइड पर छोटा सा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो पिक्चर के अंदर कितना ग्रीन आ रहा है या उसके अंदर ब्राइटनेस हुई है, डार्कनेस हुई है। और आई एम गोइंग टू प्रेस सेव, ओके कर दूंगा, यानी कि इमेज सेव हो रहा है। और आप ये बता दूं दोबारा कि मैंने बैकग्राउंड कॉपी पर ही कर रहा हूं, और जो जो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं उसकी कॉपी बनाता जाऊंगा ताकि हर स्टेप पर मेरे पास वापस जाने के लिए बहुत इजी वे हो। मैं कंट्रोल जेड ही ना करता रहूँ कि कंट्रोल ऑल्ट जेड में करता रहूँ वापस जाने को, फोटोशॉप एक लिमिट के बाद जाने भी नहीं देता आपको। तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज था, एक मरतबा दिखा दूँ आपको मैं, दिस इज़ ओरिजिनल, दिस इज़ विद एच डी आर। अपनी जगह पर ये भी पोस्ट हो सकते हैं, लेकिन व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर बेटर। तो मैं बैकग्राउंड कॉपी ये बनाऊंगा इसको, वी कंट्रोल जे मैंने किया या डुप्लीकेट लेयर राइट क्लिक से किया, बैकग्राउंड कॉपी नंबर 3। तो अब मैंने बैकग्राउंड कॉपी नंबर 3 जो है इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा स्काई, क्योंकि अब जब मैं काम करने वाला हूँ मैं चाह रहा हूँ कि स्काई जो ये डल है, ये डल स्काई के बजाय ये थोड़ा सा मज़ीद ब्राइट हो जाए। और इसके लिए दोबारा मैं जाऊंगा अपने उसी प्लगइन में, फ़िल्टर मेन्यू में, फोटोशॉप सीसी यूज़ कर रहा हूँ, फोटोशॉप CS6 भी कर सकते हैं, CS5 भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये NIK इंस्टॉल करना है। आई विल गो टू दिस मॉड्यूल कलर FX प्रो, जो मेरा बहुत फेवरेट है, जिसमें मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल पहले भी दिए हैं, लेकिन आज का थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट है ट्यूटोरियल। ये आप देख रहे होंगे राइट साइड पर कि ये पहले से मैंने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है। और फिर इसी ट्यूटोरियल में हम लोग एडजस्टमेंट लेयर्स भी यूज़ करेंगे, कि अब ये ओपन हो गया, मैंने लास्ट यही यूज़ किया था। तो व्हाट आई एम यूजिंग इज़ ग्रेजुएटेड फिल्टर्स मैंने यूज़ किए हैं। ग्रेजुएटेड फिल्टर्स ये कि आप इसको स्लाइडर लेफ्ट साइड पर जो है NIK का कलर FX प्रो, इसमें यहाँ पर ये मॉडल दिए हुए ग्रेजुएटेड फिल्टर्स, दिस वन। तो ये हमने ग्रेजुएटेड फिल्टर्स में ये मॉडल मैंने ब्लू वाला सेलेक्ट किया है, इसमें जिसमें आसमान नंबर 1 ही पहला वाला टॉप का। अब ये आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ इसको आप लेफ्ट क्लिक भी ना करें, सिर्फ आप इसको मूव करेंगे कर्सर को, माउस को, तो ये आपको बता देगा कि आसमान कैसा लगेगा। तो आई वॉन्टेड मोर ऑफ अ ब्लूइश टोन टू इट। और इसके लिए ओपेसिटी जो है वो मैंने ये 59 पर, एंड इसका ब्लेंड मोड 63%, वो थोड़ा सा और भी ब्लेंड कर सकते हैं। वर्टिकल शिफ्ट्स करते हैं ना तो ये फिर ऊपर से नीचे आना शुरू कर देता है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसको आसमान को आसमान पर ही रखना है, उसको ज़मीन पर नहीं चढ़ाना। और फिर उसके बाद मैं ये शेडोज़ जो है, शेडोज़ ओरिजिनली थे यहाँ पर अबाउट 40% पर, तो मैं इसको ले गया शेडोज़ को 100% के शेडोज रिड्यूस करना है। आपने देखा आसमान थोड़ा सा ब्राइट हुआ है। हाईलाइट्स को मैं करूँगा तो हाईलाइट्स क्लिप हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी। फिर मैंने ये माइनस वाला कंट्रोल पॉइंट्स इसको नीचे कर लें, माइनस वाला कंट्रोल पॉइंट मैंने क्लिक किया, और जहाँ जहाँ मैंने प्लेस करना है इसको
ताकि वहाँ वहाँ पर शेडोज़ थोड़े सा गायब हो जाएं। अब ये देखें कलर्स वापस आना शुरू हो गए हैं, जो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, जो इस फिल्टर की वजह से डार्क हो गए थे। अब ये जहाँ जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ वहाँ मैं कंट्रोल पॉइंट्स प्लेस करूँगा। और सबसे अच्छी बात इन कंट्रोल पॉइंट्स की है कि आप इसकी ओपेसिटी यहाँ पर देख लें, ओपेसिटी यानी कि जितना उसका वाजे नज़र आना चाहिए वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको माइनस चूँकि रखा है, कम करना है मैंने, तो जहाँ जहाँ इस ग्रेजुएटेड सेल फिल्टर का असर हुआ था वहाँ ये वाली चीज़ आपको जो है वो एच डी आर एफ एक्स प्रो की उसमें नहीं मिल रही थी, इतना कंट्रोल नहीं मिल रहा था आपको। तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेट लेयर पर इसको रखना मुनासिब समझा, और जहाँ जहाँ जो डार्कन एरियाज़ हैं मैंने उसको कवर किया है। मैं इसको माइनस करता जा रहा हूँ, और सिर्फ ताकि आसमान हमारा नीला हो और बाकी जो है जगह अपनी वो अपने कलर्स जो हैं उसको रिटेन करें, उसको बाकी रखें। फिर मैंने प्लस लिया है और मैंने यहाँ पर इसको प्लस यूज़ करना शुरू किया है। अच्छी बात कंट्रोल पॉइंट्स की है कि जहाँ जहाँ ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं जब मैं प्लस ऐड करूँगा तो सिर्फ आसमान ही ब्लू होगा, वो चीज़ें जगह नीचे वाली दोबारा अफेक्ट नहीं होंगी। तो अब मैंने ये कर दिया, एंड उसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा ये अब देख रहे होंगे कि ये लेयर्स यहाँ ये लेयर्स बनते जा रहे हैं अलग-अलग कंट्रोल पॉइंट्स के, हर एक का एक लेयर बनता जा रहा है। और मैं नीचे भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका पानी में भी वही रिफ्लेक्शन आए जो कि आसमान का है। एंड यहाँ पर एंड देन आई एम गोइंग टू प्रेस ओके, क्योंकि आपको पता है मैं जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का वक्त होता है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। और उसके बाद जब ये बन जाएगा तो कलर एफ एक्स प्रो, तो कलर एफ एक्स प्रो की भी मैं कॉपी करूँगा। और अब हम देखते हैं कि कलर्स हमारे अभी अभी देख रहे हैं कि ये बर्ड हैं कलर्स कितने चेंज होते हैं। अब आपने देखा कि आसमान एकदम से ब्लू हो गया, मैं दिखाता चलूँ, ये पहले था ये अब है, और कलर्स आपके वैसे रहे। अब हम इसकी बैकग्राउंड ये ग्रेजुएटेड फिल्टर जो है इसकी हम दोबारा एक करेंगे कंट्रोल जे या डुप्लीकेट करेंगे कॉपी, ये डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ नीचे जाएंगे पैनल में, ये जब आप इस पर कर्सर लेके जाएं लिखा हुआ जाता है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, तो हम एडजस्टमेंट लेयर जो है वो करेंगे इसके, और क्लिक किया। और उसके बाद मैं जाऊँगा वाइब्रेंस के ऊपर, और अगर मुझे सेचुरेशन इंक्रीज़ करनी है, लेकिन ये जो है दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ द सेचुरेशन ऑफ द होल इमेज, तो पूरे के पूरे इमेज की सेचुरेशन। तो अगर मुझे ज़्यादा लग रही है सेचुरेशन की, बहुत ज़्यादा कलर जो है ना वो अननेचुरल लगना शुरू हो गए, तो मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगा सेचुरेशन को, वाइब्रेंस को वही रखूँगा, +2 पर रखूँगा, एंड दैट्स इट सिंपल। उसके बाद वंस अगेन आई एम गोइंग टू गो, मुझे लगा कि इमेज थोड़ा सा डार्क हो रहा है यहाँ पर, मैं दोबारा गया ग्रेजुएटेड फिल्टर पर, राइट क्लिक किया मैंने और दोबारा से डुप्लीकेट कर लिया। इसका नाम मैंने रख दिया है ये मैंने चूँकि इसकी कॉपी कर रहा हूँ ना, तो मैंने इसका नाम ये कॉपी टू हो गया। अगेन लास्ट जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर्स में, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। और ये दोबारा बता चलूँ कि एडजस्टमेंट लेयर पूरे इमेज को आपके अफेक्ट कर रहा है, कि मैंने अगर ब्राइटनेस इंक्रीज़ करनी है तो मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज़ किया, ये अब आपने देखा एकदम से ब्राइट हो गया। ये वापस इसको मैं ले गया, कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे जो है ना ग्रेन इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया, दाने दाने आने शुरू हो गए। तो मैं इसको ब्राइटनेस को दोबारा लेकर गया हूँ एट अबाउट 12, मैं ऑटो यूज़ नहीं करूँगा अभी भी, मुझे लगा 12 पर थोड़ा सा वो था, आई विल टेक इट अगेन टू 17, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई है, एंड मैं इसको 12 पर लेकर जाता हूँ कॉन्ट्रास्ट को, इफ़ आई फील दैट इज़ गुड और दैट इज़ फैंटास्टिक। उसके बाद दोबारा मैंने ग्रेजुएटेड फिल्टर जो था, जो थर्ड स्टेप था ये वाला जिसकी मैंने कॉपी की थी, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया बाय लेफ्ट क्लिकिंग, ये पहले इस पर था ना, ये ब्राइटनेस पर था, एंड उसके बाद ये, अब आपने देखा कि वाइब्रेंस वाला लेयर ऊपर है, ये वाला लेयर नीचे है, लेकिन ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स लेयर जो हैं ये चूँकि एक कलर से मुतालिक है दूसरा ब्राइटनेस से मुतालिक है, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम करें, टेंटम काम करें, एक दूसरे को निगेट नहीं करें, नेगेटिव नहीं जा रहे। तो मैंने ग्रेजुएट फिल्टर को लेफ्ट क्लिक किया, और क्योंकि अगर मैं यहाँ से अब मुझे नॉइज़ रिमूव करनी लास्ट स्टेप में, तो मैं NIK का डिफाइन भी यूज़ कर सकता हूँ जो ये डिफाइन है, लेकिन आई फील कि मुझे मच मोर कंट्रोल है और टाइम सेविंग है अगर आई यूज़ इमेज नॉमिक नॉइज वेयर, एक और प्लगइन है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, एंड आई एम गोइंग टू गो। अभी मैंने चूँकि पहले यूज़ किया हुआ था तो मैंने डिफ़ॉल्ट के बजाय सेकेंड लिया है फॉर लैंडस्केप एंड नेचर फोटोग्राफी, इसको मैंने क्लिक किया है, और जो इसमें नॉइज़ वगैरह आई हुई है ये यहाँ पर राइट साइड पर इसका लूप दिया हुआ है, ये आपको बताया था कि आपकी नॉइज़ कितनी थी, ये
उसके बाद आप यहाँ से, मैं इसमें एज स्मूथिंग जो है इसको मैं ऑटो कर देता हूँ बजाय लो के, और शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी करता हूँ 7x7। डिटेल्स आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी डिटेल्स बिल्कुल वो प्लास्टिक लुक ना आए इसके अंदर, आप उसकी ओरिजिनलिटी रिटेन करें, वरना अमूमन ये नॉइज़ रिमूवल में यही होता है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बहुत प्लास्टिक की लुक आ जाती है उसके अंदर, विच आई डेफिनेटली डोंट वॉन्ट। ये अगर आप इसको होल्ड करें, क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड, तो इट टेल्स यू कि पहले नॉइज़ क्या थी और अब क्या है, पहले क्या थी अब क्या है। ये कलर की नॉइज़, ये पहले क्या थी और अब क्या है, ये आपको नज़र आ गई इसमें। और शार्पनिंग की वजह से और डिटेल प्रोटेक्शन की वजह से ये हुआ है कि वो डिटेल्स जो है ना वॉश आउट नहीं हुई हैं इसकी, दरख्तों की या किसी भी चीज़ की। और ये मैं साथ में बताता चलूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक किट लेंस यूज़ किया है इसके लिए, 18 मेरा 18-200 का जो है, या आपका 18-55 वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने नॉइज़ वेयर अप्लाई किया, आप नीचे यहाँ देखिए कि ये नॉइज़ कितनी है और ये नॉइज़ गायब हो गई, इट इज़ गॉन। अब मैं दोबारा से एक मरतबा इसको अनडू नॉइज़ वेयर करूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ दिखाने के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ दोबारा नॉइज़ आ गई है, यहाँ से एडिट में जाऊँगा, रीडू या कंट्रोल जेड आप करेंगे, नॉइज़ इज़ गॉन। तो अब ये इमेज जो आपका है इसमें मैंने टोटल लेयर्स कितने यूज़ हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेयर्स में आपका इमेज जो है उसकी शक्ल टोटली चेंज हो गई है, बजाय जो जो पहले होता था, जो पहले था इमेज। अगर मैं सारे इनके ये आई आर आइकॉन्स को जो है ऑफ कर दूँ, सो यू गेट टू सी दिस वॉज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज़ वॉट यू गेट आफ्टर ऑल द एनलार्जमेंट्स, ऑल द एडजस्टमेंट्स। थोड़ा सा और भी अगर चाहूँ तो मैं ये जो लेफ्ट पर दरख्त है इसको मैं थोड़ा सा और वो कर सकता हूँ बाई यूजिंग विविडज़ा, अगर मुझे बाद में फील होता है जब मैंने सारा कुछ कर लिया तब भी। विविडज़ा जो है वो इसका लास्ट में मॉड्यूल है NIK का, निक का, एंड उसमें ये कि आप सिर्फ कंट्रोल पॉइंट्स यूज़ करते हैं और इमेज के किसी एक हिस्से को आप एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे पूरा इमेज अफेक्ट नहीं होता है। एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट राइट हेयर, ये कंट्रोल पॉइंट लिया, इसको यहाँ पर रखा मैंने, एंड इफ़ आई फील कि ब्राइटनेस जो है ना वो कम थी या कलर ज़्यादा थे, इसका सर्कल मैंने छोटा कर लिया ताकि सिर्फ वही एरिया अफेक्ट हो। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया, सेचुरेशन को थोड़ा सा मैंने डाउन किया, और आप इसको किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इमेज आपका बहुत शानदार बन जाएगा। लेकिन आपने देखा कि ये दिस इज़ अ HDR लुक, बट इट डज़ नॉट लुक प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक लुक नहीं दे रहा और HDR लुक दे रहा है। तो इसी के साथ ये आज का छोटा सा ट्यूटोरियल जो है आप लोगों को, छोटा समझ लें वैसे 20 मिनट तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, आप लोगों को पसंद आया होगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो इस ट्यूटोरियल वाले पेज को और इन ट्यूटोरियल्स को काइंडली आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करिए। यकीन मानिए इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं लाइक्स के लिए ये काम कर रहा होता तो मेरे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लाइक्स होते हैं। ये सिर्फ मैं नॉलेज, अपना नॉलेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए और आपके नॉलेज से खुद सीखने के लिए करता हूं, आप लोगों को पता ही है ये बात। तो इसीलिए सबसे मैं बाकायदा मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि बाकी मैं आप लोगों का बड़ा एहसान मानूंगा अगर आप इन ट्यूटोरियल्स को आगे और लोगों तक पहुँचाएँ जो सीखना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है, जिनको यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स की समझ नहीं आती है, यूट्यूब जो पाकिस्तान में नहीं चलता है, तो अगर ये फेसबुक का पेज चलता है और आप लोगों को समझ आती है तो ज़रूर पहुँचाइए, इसका सवाब और इसका इसकी अच्छाई जो है इसका रिटर्न वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। इन चंद अल्फाज के साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमेशा की तरह, आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई, आपके दोस्त आतिफ अली और खान, एक मुद्दी नाम। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक तक, छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।